सब्सक्राइब कीजिए आयुर्वेद इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आयोटा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन और मैं मनीष आपको इस चैनल के थ्रू क्लास 11th और 12th के फिजिक्स के वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करने वाला हूँ जिसकी मदद से आप घर बैठे बैठे कॉम्पिटिशन्स और बोर्ड की तैयारी कर सकते हैं। अब हम स्टूडेंट्स देखने जा रहे हैं करेंट इलेक्ट्रिसिटी में अगला टॉपिक नोन एज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता क्या है, ये किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, इस चीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले जो नए हैं वो ज़रूर से इस वीडियो को देख के ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाएं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं, अब हम टॉपिक देखने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जिसको मैं डिनोट करूँगा सिंबल कैपिटल R से। ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता क्या है पहले ये डिस्कस करते हैं। तो हम जानते हैं कि कंडक्टर कोई भी वायर, ठीक है, उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब एक यूनिट डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं तो उस वायर में क्या फ्लो होने लगता है, हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है। तो वो जो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रहा है वायर में, उसमें जो चार्ज कैरियर्स जिसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हैं, उनके मूवमेंट में क्या होगा, जो आसपास के लैटिस आयंस होंगे या और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो उन फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को क्या कर रहे होंगे, एक अपोजिशन, एक हिंड्रेंस ऑफर कर रहे होंगे, उनके फ्लो को रोकने की कोशिश कर रहे होंगे। रोक तो नहीं पाएंगे पर उनको, है ना, एक टाइप का ऑब्स्टैकल के तौर पे बिहेव कर रहे होंगे। उसी मटेरियल ऑफ कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट जो लैटिस आयंस है, तो उसी फेनोमेनन को हम नाम दे रहे हैं नोन एज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में हम क्या बोल रहे हैं। तो डेफिनेशन हमने लिखा है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, ये उसी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है, कोई और सब्सटेंस नहीं, उसी सब्सटेंस जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं कंडक्टर, उसी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है, बाय द वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। करंट बोलूं या फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को बोलूं, तो उसके अपोज करने की, ठीक है, वो जो टेंडेंसी उस मटेरियल की, उसी टेंडेंसी को हम नाम दे रहे हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब ये आता किस वजह से रेजिस्टेंस एक मटेरियल में, कंडक्टर में, हम स्पेशली कंडक्टर की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो यहां देख रहे हैं, इट इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद द आयंस और एटम्स ऑफ द कंडक्टर व्हाइल ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। हमने डिस्कस किया था, अगर ये आप कंडक्टर लेते हैं तो इसके अंदर अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन हो, जब आप इसको एक लेट से बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो उसका कंडक्टर का एक टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा, एक टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा, जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन पे अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, जिसके वजह से सभी इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर की तरफ मूव करेंगे। तो यहां हम यही बोल रहे हैं, ये जब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, वो जो उस कंडक्टर के अंदर जो प्रेजेंट आयंस या एटम्स हैं, वो कोलाइड कर रहे होंगे उन फ्री इलेक्ट्रॉन से, और वो कोलिशन जो ऑफर हो रहा होगा उन आयंस या एटम से, व्हाइल द फ्री इलेक्ट्रॉन इज बीइंग ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, तो उसी फेनोमेनन, उसी कोलिजन के वजह से उस कंडक्टर में क्या आ रहा होगा, एक हिंड्रेंस या अपोजिशन आ रहा होगा, जिसे हम नाम दे रहे हैं रेजिस्टेंस। अब ये इसका फॉर्मूला देखते हैं स्टूडेंट्स। तो हमने देखा था ओम्स लॉ डिराइव करते हुए कि ये जो रेजिस्टेंस है, इसका फॉर्मूला आते हुए R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, जहां पे रो एल और ए क्या क्या है देखते हैं। तो रो तो हो गया आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी किसकी, उस कंडक्टर की, जो उसके मटेरियल पे डिपेंड करेगी, ठीक है, ना उसके डायमेंशन पे, लेंथ एरिया पे डिपेंड नहीं करने वाली, उसके मटेरियल पे डिपेंड करने वाली है। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जो रेजिस्टिविटी है, ये फॉर्मूला आया था m बाय n e स्क्वायर टाउ, जहाँ m और e तो इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज हो गया, जो कॉन्स्टेंट रहता है। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं मटीरियल पे डिपेंडिंग फैक्टर कौन कौन है, n और tau, ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। n होता है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो जितना ज्यादा अच्छा कंडक्टर उसकी n की वैल्यू उतनी ही ज्यादा, और क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो उसकी रेजिस्टिविटी वैल्यू उतनी ही कम,
एंड सिमिलर वे में बोलता हूं, मैं रिलैक्सेशन टाइम जो है वो जो टाउ है, वो टाउ आपका जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना कम रिलैक्सेशन टाइम होगा और उतनी ज्यादा रेजिस्टिविटी हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, तो इसको आगे डिस्कस करेंगे। वैसे एल और ए, एल तो हो गया लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये जो कंडक्टर का लेंथ जिसके अक्रॉस ये मेरा लेट्स से फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो ये एल हो गया। एंड ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, जिस एरिया को ये इलेक्ट्रॉन क्रॉस करके जा रहा है वो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर वाला एरिया लिया जा रहा है, 2πrL वाला नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस एरिया को पाई आर स्क्वायर वाले एरिया को क्रॉस करके जा रहा है। तो यहाँ हम सिंपल एरिया ऑफ कंडक्टर नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे हम क्रॉस सेक्शन एरिया की बात कर रहे हैं। तो ये है आपका रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस किस वजह से होता है उसका डेफिनेशन और उसके फॉर्मूले में एसोसिएटेड टर्म्स। तो स्टूडेंट आगे बढ़ने से पहले अब यहाँ तक का स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो हमारा टॉपिक है डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। तो हम बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स किन किन फैक्टर पे। सबसे पहला हम लेके आ रहे हैं स्टूडेंट्स लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो हमारे पास फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। तो इस फॉर्मूले से देख के हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया ऑफ कंडक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेंथ ऑफ कंडक्टर के। मैं बोल सकता हूँ रेजिस्टेंस जो होगा आपका लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम बात कर रहे हैं लेंथ ऑफ कंडक्टर के, तो लिखते हैं हम रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट इज आर इज प्रोपोर्शनल टू एल। सीधा फॉर्मूले से हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम बोल रहे हैं लेट से एक कंडक्टिंग वायर लिया, ठीक है, ये कंडक्टिंग वायर, ठीक है, इसका लेंथ सपोज कैपिटल एल था और इसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर था, ठीक है। अब यहां बोला है कंडक्टिंग वायर हैविंग रेजिस्टेंस आर, इट्स कट इनटू एन इक्वल पार्ट्स, ठीक है, इसे एन पार्ट्स में कट किया, ठीक है, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके मैंने एन पार्ट्स में कट किया। तो मैं बोलूंगा कि अब यहां पे मैं बात करने जा रहा हूं रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट विल बी, तो हर पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो सपोज एक अगर आप पार्ट लेके आते हैं उनमें से, ठीक है, तो उसका एक पार्ट का लेंथ कितना हो जाएगा, हम बोलेंगे सबका अगर आपने लेट से इक्वल पार्ट में काटा है, सपोज कीजिए 10 मीटर वायर को आपने 5 पार्ट में कट किया, तो हर वायर का लेंथ कितना हो जाएगा, 10/5 दैट इज 2 मीटर। तो यहाँ पे भी एल बाय एन हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं रेजिस्टेंस जो है वो आर लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो लेंथ अगर एन टाइम्स कम हुआ तो मैं बोल सकता हूं अब इसका नया रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस अगर कैपिटल आर था तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर बाई एन। तो हम बोल रहे हैं यहां पे हर पार्ट का लेंथ हो जाएगा मेरा रेजिस्टेंस एल बाय एन हो जाएगा, लेंथ एल बाय एन। एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं कि रेजिस्टेंस लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है स्टूडेंट्स। तो मेरा क्वेश्चन है अ वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड रेजिस्टेंस 50 ओम, एक वायर की बात हो रही है, उस वायर का लेंथ कितना है 10 मीटर है और उसका रेजिस्टेंस कितना है 50 ओम है। अब आगे लिखा है अनदर वायर, सेम वायर ने एक दूसरा वायर लिया ऑफ सेम मटेरियल जिसका डेंसिटी वायर का सेम है ना, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हम बोल रहे हैं वो सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल ऑफ लेंथ 40 मीटर, ठीक है, सेम मटेरियल बोल दिया मतलब रो सेम, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू रो एल बाई ए, तो यहाँ पे बोला गया है सेम वायर मतलब एरिया भी क्या होना चाहिए, क्रॉस सेक्शन एरिया भी हमारा सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हम बोल सकते हैं लेंथ आपका 4 times हुआ, ठीक है, यहाँ पे 10 मीटर से 40 मीटर हुआ मतलब 4 times इंक्रीज हुआ, तो रेजिस्टेंस भी 4 times इंक्रीज होके ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरा 200 ओम, ठीक है। इसका हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं इस रिजल्ट का कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, दैट इज लेंथ को 4 times की है तो रेजिस्टेंस भी 4 times हो जाएगा। तो स्टूडेंट आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले। तो अगला फैक्टर हमारा क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर।
तो हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाय ए। तो मैं बोल रहा हूं अगर सेम वायर और सेम लेंथ लिया तो रेजिस्टेंस जो है वो एरिया के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। तो मैं लिख सकता हूं रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। फिर से बात हो रही क्रॉस सेक्शनल एरिया, ना कि कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल एरिया, हम क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहे हैं। तो जैसे बात हो रही है क्वेश्चन के थ्रू इसको समझाते हैं, अ वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया टू ए एंड रेजिस्टेंस लेट्स से 10 ओम, ठीक है। तो एक वायर लिया गया, ठीक है, लेट्स से इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना बोला गया 2a, और इसका लेंथ कितना है l, और इसका रेजिस्टिविटी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो, और इसका रेजिस्टेंस कितना बोल रहा हूँ 10 ओम बोल रहा हूँ। अब लिखा है अनदर वायर ऑफ सेम मटीरियल, सेम मटीरियल, ठीक है, और यहाँ पे बस ये लिखा हुआ है कि सेम मटीरियल सेम वायर, मतलब उसका लेंथ भी सेम होगा एज वेल एज उसका रेजिस्टिविटी भी सेम होगा। ये नहीं बोला कि है ना इसी वायर को मैंने लेट से एरिया घटाया है बाय स्ट्रेचिंग, ऐसा कुछ नहीं बोला। यहाँ सिंपली बोला है सेम वायर लिया, मतलब लेंथ सेम लेंगे क्रॉस और रेजिस्टिविटी सेम लेंगे, बस इसका एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया ये ए कर दिया, ठीक है। पहले जो एरिया 2a था उस एरिया को a कर दिया, तो पूछा है नया रेजिस्टेंस कितना होगा, तो हम क्या जानते हैं रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इस रूल को यूज करेंगे क्योंकि लेंथ और रेजिस्टिविटी सेम है, तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहां से हम बोल सकते हैं स्टूडेंट कि अगर एरिया आधा हुआ तो रेजिस्टेंस, अगर यहाँ हाफ हुआ एरिया a बाय 2 हुआ तो रेजिस्टेंस कितने टाइम्स हो जाएगा ट्वाइस, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरा 20 ओम करते हुए। तो ये रहा स्टूडेंट्स हमारे पास, अगर मैं एरिया की डिपेंडेंसी की बात करूं कि कैसे वो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है। तो आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आप यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लें, रेजिस्टेंस कैसा मेरा मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है, अलग अलग मटेरियल अगर होंगे तो उनकी रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करेगा। तो हमने अभी देखा था स्टूडेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है मेरे पास रो एल बाय ए, तो मटेरियल अगर चेंज हो रहा है लेंथ और एरिया सेम रखते हुए रेजिस्टेंस कैसे चेंज करेगा, तो मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है रो, ठीक है, जो रेजिस्टिविटी है वो मटेरियल के चेंज होने की वजह से चेंज होगी, ना कि उसके लेंथ और एरिया। अगर मैं दो लेट से कपड़े लूं, यही कपड़ा एक मीटर एक एरिया का लूं और दूसरा सेम एरिया सेम लेंथ का एक मीटर एक एरिया का कपड़ा लिया, पर अगर मैंने कॉटन का लिया या सिल्क का लिया तो मटेरियल चेंज हो जाएगा, तो कैसे रेजिस्टिविटी चेंज होगी वो हम बात करेंगे। तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हमने लिखा था m डिवाइडेड बाय n e स्क्वायर इनटू tau, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या बोल रहे हैं मटेरियल चेंज हो ना कि टेम्परेचर, तो टेम्परेचर पे tau फैक्टर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं रेजिस्टेंस जो है वो मेरा n पे, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जहां पे n क्या है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जिस कंडक्टर में ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कंडक्टर की n की वैल्यू ज्यादा होगी, है ना, मतलब जितना ज्यादा अच्छा कंडक्टर उतनी ज्यादा उसके n की वैल्यू, और जितना n की वैल्यू ज्यादा उतना रेजिस्टेंस क्या होगा हमारा कम होगा। तो हम एक कंपैरिजन के तौर पे बोल सकते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कंडक्टर में सबसे ज्यादा है, फिर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम सेमीकंडक्टर में उसके बाद है, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंसुलेटर में सबसे कम है। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जिस वजह से हम बोल सकते हैं कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, फिर सेमीकंडक्टर का होगा, फिर हमारा इंसुलेटर का होगा। तो ये हम देख रहे हैं कि मटेरियल, मटेरियल एज इन n, जहां पे n क्या हमने पढ़ा था n इज नथिंग बट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये फैक्टर आपका चेंज हो जाएगा अगर मटेरियल चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल आप एक बहुत अच्छा कंडक्टर लेते हैं, लेट्स से मैं दो कंडक्टर्स लेके चलूं, एक अल्कली मेटल लिया और एक अल्कलाइन अर्थ मेटल लिया, ठीक है, अल्कली मेटल है ना, और एक लिया मैंने अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है, अल्कलाइन
अर्थ मेटल। अब हम क्या जानते हैं एल्केली मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल में, एल्केली मेटल का कोई लेट से एग्जांपल लिया जाए, इसका एग्जांपल हमने लिया सपोज सीजियम, ठीक है, हलीना की रब से फरमाइश वाला, और इसका हमने लिया लेट से बेटा मांगे कार स्कूटर, लेट से स्ट्रॉन्सियम लिया, ठीक है। अब इसका रेजिस्टेंस अगर R1 कह देते हैं और इसका रेजिस्टेंस अगर R2 कह देते हैं, तो हम बात करेंगे किसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा। तो हम जानते हैं एल्केली मेटल मेरे अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, तो अच्छे कंडक्टर होते हैं तो उनका रेजिस्टेंस ऑब्वियसली क्या होगा, कम होगा। तो मटेरियल अगर चेंज हो जाए, एक सीजियम का हो एक स्ट्रॉन्सियम का वायर हो, तो किसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, जो अच्छा कंडक्टर होगा, दैट इज सीजियम का। तो स्टूडेंट ये था हमारा कि कैसे मटेरियल चेंज होने पे आपका रेजिस्टेंस कंडक्टर का चेंज होगा। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट, अब देखते हैं हम कि टेम्परेचर के कारण रेजिस्टेंस कैसे अफेक्ट होगा। तो हम बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, R इज इक्वल टू एम बाय एन ई स्क्वायर टाउ एल बाय ए। तो अगर टेम्परेचर पे देखें तो लेंथ एरिया मास ई और एन ये सब तो कांस्टेंट बने रहेंगे, तो हम बोल सकते हैं यहां से कि जो रेजिस्टेंस होगा वो रिलैक्सेशन टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा। तो हम बात कर रहे हैं जैसे ही रेजिस्टेंस, हम बात करते हैं कि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन, ये मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन और ये मेरे आयंस हुए, लेट्स से उस लैटिस के आयंस, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन एक कोलिजन के बाद दूसरा कोलिजन करने में जो टाइम लेगा, जिसे हम रिलैक्सेशन टाइम टाउ करके कह रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं कि जैसे मेरा टेम्परेचर बढ़ता है तो ये जो रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब कोलिजन जल्दी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा मतलब रिलैक्सेशन टाइम हमारा क्या हो रहा है, घटने की बात हो रही है। तो हम बोल रहे हैं कि जैसे टेम्परेचर बढ़ा रिलैक्सेशन टाइम घटा, और रिलैक्सेशन टाइम अगर घटता है तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस भी कंडक्टर का बढ़ेगा, कंडक्टर का। हम इंसुलेटर सेमीकंडक्टर की आगे बात करेंगे, तो अभी हम बोल रहे हैं कंडक्टर के लिए जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। अगर आपका टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ओनली फॉर कंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर इंसुलेटर में क्या होगा आगे देखेंगे। अब इसका रीजन देखते हैं कि क्यों ये बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्यों इंक्रीज होता है। तो यहां हमने बोल रहे हैं व्हेन अ मेटालिक कंडक्टर इज हीटेड, जब आप कंडक्टर को हीट करते हैं दैट इज उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, the atom in the metal vibrate with greater amplitude and frequency about their mean position. तो ये जो atoms होंगे ये अपने mean position के about greater amplitude और frequency से vibrate कर रहे होंगे, वो displaced नहीं होंगे, वो अपने mean position के about ही vibrate कर रहे होंगे, पर उनका amplitude and frequency of vibration बढ़ जाएगा, जिसके वजह से a free electron को ज़्यादा hindrance मिल रहा होगा in the flow of the charges. तो यहाँ पे लिखा है consequently number of collision between free electron and atoms increases. तो ये randomness बढ़ी जिस वजह से collision between free electrons and हम बोल रहे हैं atoms क्या हो रहा है, increase हो रहा है। और अभी हम देखें कि temperature बढ़ने से relaxation time घट क्यों रहा है, क्योंकि अब ज़्यादा speed हो गई, electron के पास भी speed आ गई, kinetic energy आ गई, इसका मतलब अब वो ज़्यादा जल्दी जाके टकराएंगे, जिसके कारण आपका relaxation time घट जाएगा। This reduces the relaxation time and increases the value of resistance R, क्योंकि inversely proportional है resistance मेरा relaxation time के। तो ये है आपका temperature पे कैसे dependent है आपका resistance, वो हमने देखा। अब हम for semiconductor insulator भी बात करेंगे, तो उससे पहले students अब यहाँ तक का screenshot जरूर चलिए mathematically देखने जा रहे हैं कि resistance मेरा temperature पे कैसे depend करता है। तो हम बात करते हैं for conductors, अगर temperature difference 300 डिग्री से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो रेजिस्टेंस एट सम टेम्परेचर टी इज इक्वल टू, इस रूल से गिवन होता है, हमने क्लास 11 थर्मल एक्सपांशन में देखा था, एल इज इक्वल टू एल नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, उसी रिलेशन को फॉलो किया जा रहा है, समथिंग लाइक आर नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा थीटा प्लस बीटा टी स्क्वायर और बन जाएगा, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट होता है फॉर टेम्परेचर greater than 300 degree Celsius, not Kelvin,
ठीक है। और हम बात कर रहे हैं अगर 300 डिग्री सेल्सियस से कम रेंज का हुआ टेम्परेचर डिफरेंस, तो ये बीटा जो फैक्टर है ये बहुत छोटा होता है, तो ये पार्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा अगर ये 300 से कम हुआ तो ये रिलेशन आ जाएगा मेरे पास RT इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। ठीक है, इसको मैं आगे दिखाऊंगा भी कैसे आया ना। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं बस ये पार्ट हम क्या कर दे रहे हैं, निगलेक्ट। तो यहाँ हम बोल भी रहे हैं ये बीटा अल्फा और कुछ नहीं है, ये सिंपली आपके क्या है कॉन्स्टेंट्स हैं, जिसे हम नाम देते हैं टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस, और इनका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा होता है। और अल्फा बीटा दोनों का यूनिट क्या होता है मेरा, पर डिग्री सेल्सियस, अल्फा का यूनिट बोलेंगे और बीटा का यूनिट पर डिग्री सेल्सियस स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है, तो हम अल्फा की बात कर रहे हैं, तो ये बीटा जो है वेरी स्मॉल है तो इसे हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। ठीक है, और आर नॉट और आर टी क्या है, आर नॉट है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट 0 डिग्री सेल्सियस नॉट केल्विन, एंड आर टी है रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये नहीं कि आर नॉट इनिशियल और आर टी फाइनल, आर नॉट आपका रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस बोला जा रहा है और आर टी आपका रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस बोला जा रहा है। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं वैल्यू ऑफ अल्फा इज डिफरेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड इन द सेम टेम्परेचर रेंज। ठीक है, अल्फा एक मटेरियल के लिए कॉन्स्टेंट वैल्यू अटेन करेगा। अब ये अल्फा कैसे डिफाइन कर रहे हैं उसके लिए हम मैथमेटिकल रिलेशन इसको यूज कर रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। तो इस आर नॉट को मैं डिनोमिनेटर में लेके आ जाऊं तो ये हो गया आर टी बाय आर नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा टी। यहां से हम लिख सकते हैं स्टूडेंट अल्फा टी इज इक्वल टू आर टी बाय आर नॉट माइनस 1। तो मैं यहां से क्या कर सकता हूं स्टूडेंट, इसको एलसीएम लेके यहां से अल्फा टी इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय मेरा आर नॉट आ गया। तो यहां से हम अल्फा को लिख सकते हैं स्टूडेंट्स आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट इनटू टी। तो मुझे अगर निकालना हो किसी मटेरियल का अल्फा, अल्फा मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, जैसे वहां पे होता था है ना L इक्वल टू L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, A इज इक्वल टू A नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा, और V इक्वल टू V नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। अल्फा बीटा गामा जो होते थे वो आपके लीनियर एक्सपांशन कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, कोफिशियंट ऑफ एरियल एक्सपांशन एंड कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन रेस्पेक्टिवली कहलाते थे। वैसे यहाँ पे अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस उस मटीरियल का। तो आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई आर नॉट इन टू टी, तो ये हमारा अल्फा निकालने का तरीका। अगर अल्फा मुझे पता है, मुझे पता है लेट्स से 20 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर मेजर करना है, 0 डिग्री सेल्सियस पे मुझे रेजिस्टेंस पता है, तो मैं यहां से क्या कर सकता हूं उसका रेजिस्टेंस आराम से निकाल सकता हूं। तो स्टूडेंट्स ये है फॉर 300 डिग्री सेल्सियस जो प्रैक्टिकली होगा उसके लिए आपका रेजिस्टेंस निकालने का मैथमेटिकल फॉर्मूला जिसको हम यूज करेंगे। ऊपर वाला लेस यूज होगा या सबसे ज्यादा यूज होगा स्टूडेंट्स, तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लें। देखते हैं कि कैसे रेजिस्टेंस जो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा था उसका ये जो अल्फा हम डिफाइन किए थे, अल्फा को हम क्या बोल रहे थे टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो ये अल्फा मेरा निकल के आया आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट इन टू टी। अब ये अल्फा को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं आर नॉट और टी की वैल्यू 1 कर देते हैं। तो आर नॉट हम लिख दिए 1 ओम और टी मतलब आर टी में जो टी टेम्परेचर जिसपे आर टी मेजर किया जा रहा है उसको 1 डिग्री सेल्सियस बोल दिए, तो नीचे 1 1, तो ये आ गया आर टी माइनस आर नॉट। तो यहाँ पे हम अल्फा को क्या बोल सकते हैं डिफरेंस ऑफ रेजिस्टेंस मेजर्ड एट 1 डिग्री सेल्सियस एंड 0 डिग्री सेल्सियस इफ टेम्परेचर इज 1 डिग्री सेल्सियस एंड आर नॉट इज 1 ओम। तो यहाँ पे लिखा है टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस जिसे हम अल्फा करके बोल रहे हैं, ठीक है, तो इज इक्वल टू इंक्रीज इन रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम ऑन रेजिंग ऑफ इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब कितना रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ, दैट इज आर टी माइनस आर नॉट इंक्रीज हुआ। ठीक है, अगर है ना हमने एक ऐसा कंडक्टर लिया जिसका रेजिस्टेंस 1 ओम था और जिसका टेम्परेचर हमने कितना इंक्रीज किया 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया, तो जो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस आएगा वही आपका उस मटेरियल के लिए क्या कहलाएगा अल्फा कहलाएगा। ठीक है, दैट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जहां पे अल्फा मेरा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू ले सकता है। हम बोलते हैं
कंडक्टर के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है, और अभी देखा था टेम्परेचर इंक्रीज करने के वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, क्यों? रिलेशन है हमारे पास RT is equal to R naught 1 plus alpha into T. तो अगर यहाँ पे अल्फा की हम बात करें, ये अल्फा पॉजिटिव है तो ये फैक्टर 1 से बढ़ जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया, मैथमेटिकली भी देख सकते हैं. वेयर एज इन सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर जो अल्फा होता है वो नेगेटिव होता है. तो नेगेटिव होता है मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे, दैट इज टी इंक्रीज करेगा, तो अल्फा नेगेटिव है तो 1 माइनस हो जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस आपका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. तो हम बोलते हैं कि जो सेमीकंडक्टर इंसुलेटर में रेजिस्टेंस घटता क्यों है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, मैथमेटिकली इस रिलेशन से देखें तो घटता इसलिए क्योंकि अल्फा नेगेटिव है फॉर इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, एंड फॉर कंडक्टर्स अल्फा की वैल्यू हम क्या लेते हैं स्टूडेंट्स, पॉजिटिव. तो ये रीजन है कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से कैसे आपका रेजिस्टेंस चेंज होता है फॉर कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर. ये नहीं कहेंगे कि सभी मटीरियल के लिए टेम्परेचर बढ़ने के कारण रेजिस्टेंस बढ़ता ही है. For conductors only, increase in temperature increases the resistance of conductor because alpha, that is temperature coefficient of resistance, is positive. Whereas for semiconductors and insulator, on increasing the temperature, resistance decreases because alpha for the material is negative. तो ये है आपका reason. तो आगे बढ़ने से पहले students आप यहाँ तक का screenshot. स्टूडेंट अब हम देखने जा रहे हैं ग्राफ ड्रॉन बिटवीन रेजिस्टेंस आरटी एंड टेम्परेचर टी. एक स्ट्रेट लाइन आएगा कैसे, तो रिलेशन हम जानते हैं आरटी इज इक्वल टू मेरे पास आर नॉट 1 प्लस क्या लिख सकता हूँ अल्फा टी. यहां से मैं क्या देख रहा हूँ, यहां से इस रिलेशन को मैं लिखूं थोड़ा, आरटी इज इक्वल टू आर नॉट इन टू अल्फा टी प्लस क्या आ गया आर नॉट. यहां पे क्या देख रहे हैं आरटी किस एक्सिस पे, वाई एक्सिस, टी किस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस. तो y x के डायरेक्टली प्रोपोर्शन, तो रिलेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का आया, जिसमें c जो y इंटरसेप्ट है आपका r नॉट आया. तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है जिसका y इंटरसेप्ट तो r नॉट है और जिसका स्लोप m की वैल्यू r नॉट अल्फा है. तो इस ग्राफ का अगर स्लोप बात करें तो वो r नॉट अल्फा है. कहने का मतलब ये x एक्सिस से सपोज थीटा बनाएगा तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू ये रही. तो अगर मैं बोलूँ ये लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बताएं तो ये आया tan इनवर्स r नॉट इनटू अल्फा. तो स्टूडेंट्स आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट जरूर. वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सम इलेक्ट्रिकल मटेरियल विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के हिसाब से कैसे रेजिस्टेंस मटेरियल का चेंज होता है. तो सबसे पहले बात करते हैं मेटल्स की, कंडक्टर्स की. तो कंडक्टर में हमने क्या देखा था, अल्फा क्या होता है, पॉजिटिव, जिस वजह से हमारे पास रिलेशन हम देखें RT इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू टी. तो यहां से बोल रहे हैं अगर अल्फा पॉजिटिव है तो रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के साथ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. ठीक है, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा. अब ये क्यों बढ़ेगा, इसका रीजन अगर हम बात करें तो रीजन है बिकॉज कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विद द इमोबाइल पॉजिटिव आयंस इंक्रीजेस. तो हमने देखा टेम्परेचर बढ़ने के कारण वो जो लैटिस के अंदर प्रेजेंट पॉजिटिव एटम्स हैं वो एटम्स का वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन बढ़ेगा, जिसके वजह से जो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा था विद इन द लैटिस उसका कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, मतलब उसको और हिंड्रेंस मिल रहा होगा टू इट्स फ्लो. ठीक है, तो ये वो उसका रीजन. नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स सॉलिड नॉन मेटल्स, इंसुलेटर. तो इंसुलेटर का हम अल्फा कितना बोलते हैं, जीरो. ठीक है, अल्फा जीरो, इसका मतलब आर नॉट ही हो गया आरटी. तो रेजिस्टेंस जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, आप टेम्परेचर कितना ही बढ़ाइए, ये प्लास्टिक में टेम्परेचर कितना ही बढ़ाइए रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा. तो क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो कंप्लीटली एब्सेंट है. तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंस के वजह से करंट आता है, तो यहाँ पे वो करंट आने का सिचुएशन ही नहीं है तो रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, तो ये कांस्टेंट रहेगा. तो स्टूडेंट आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट हैं कि कैसे कुछ मटेरियल में टेम्परेचर चेंज होने की वजह से रेजिस्टेंस कैसे चेंज होता है. तो सबसे पहले आते हैं हम सेमीकंडक्टर में. तो सेमीकंडक्टर में बोला जाता है अल्फा जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो अल्फा नेगेटिव है जिसकी वजह से इस रिलेशन में अगर बात करें आरटी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी, तो अल्फा नेगेटिव,
टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये फैक्टर घटेगा, वन माइनस हो जाएगा, तो फैक्टर घटेगा मतलब रेजिस्टेंस घटेगा। विद राइज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, क्यों? क्योंकि अल्फा नेगेटिव है। अब ये नेगेटिव मैथमेटिकली हो गया, पर इसका रीजन क्या है? तो रीजन है जब टेम्परेचर बढ़ता है कुछ बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, मतलब ब्रेक होंगे तो उस टाइम पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे मुझे लैटिस में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज किए, thereby कंडक्शन इंक्रीज किया, कंडक्शन इंक्रीज किया तो हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस डिक्रीज किया। जब हम सेमीकंडक्टर में देखेंगे जाके चैप्टर में, तो उसमें देखेंगे टेम्परेचर बढ़ने के कारण कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बढ़ता है जिसके वजह से आपका रेजिस्टेंस घटता है। तो यहां हम बोल रहे हैं बिकॉज कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स liberating more free electron and conduction increases, thereby resistance decreases. तो यहाँ पे temperature बढ़ने का resistance घटता है। Next आते हैं students electrolyte. तो electrolyte में क्या होता है? फिर से alpha electrolyte material के लिए भी alpha negative होता है, जिसके वजह से फिर से temperature increase के कारण resistance decrease करता है। तो इसका reason क्या है? फिर से डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, मतलब जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आयनाइजेशन, बहुत सारे आयंस डेवलप होते हैं, उन आयंस का मूवमेंट होने लगता है, आयंस का मूवमेंट होने लगता है मतलब करंट बढ़ता है, करंट बढ़ता है मतलब रेजिस्टेंस घटता है। तो यहाँ ये लिख रहे हैं डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीजेस, सॉल्यूशन बिकम्स लेस विस्कस, लेस विस्कस मीन्स लेस हिंड्रेंस, लेस हिंड्रेंस मीन्स लेस रेजिस्टेंस। तो यहाँ ये बोल रहे हैं टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। नेक्स्ट आते हैं आयनाइज्ड गैसेस में, तो आयनाइज्ड गैसेस में भी ये रीजन, अल्फा नेगेटिव तो रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विद टेम्परेचर राइज, फिर से आयनाइजेशन इंक्रीज करता है, आयंस बढ़ते हैं, उनका मूवमेंट को जो अपोजिशन मिलता है वो घटता है, जिसके वजह से रेजिस्टेंस घटता है स्टूडेंट्स विद टेम्परेचर इंक्रीज। तो स्टूडेंट आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। अब हम देखते हैं कि कैसे अलॉयज में आपका टेम्परेचर चेंज होने की वजह से रेजिस्टेंस चेंज होगा। तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम कि इनका अल्फा पॉजिटिव तो होता है, क्योंकि अलॉय दो मेटल के मिक्सचर से बना है, तो मेटल्स क्या है, मेटल्स का अल्फा पॉजिटिव होता है, पर इनका अल्फा जो पॉजिटिव वैल्यू होती है वो बहुत छोटी होती है, जिससे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, पर जितना मेटल्स प्योर मेटल्स में बढ़ता उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा। तो यहाँ पे बोला है विद राइजिंग टेम्परेचर, हम बोल रहे हैं रेजिस्टेंस ऑफ अलॉयज इज ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट, जबकि हम मेटल्स अगर यूज करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता, पर अलॉय के केस में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस लगभग कॉन्स्टेंट होगा, क्योंकि अल्फा की वैल्यू स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू होती है। ठीक है, वैसे तो अलॉय का रेजिस्टेंस जो होता है वो प्योर मेटल के रेजिस्टेंस से ज्यादा ही होता है, पर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये अगर आप प्योर मेटल लेंगे करंट फ्लो करेगा, जूल लॉ ऑफ हीटिंग से आई स्क्वायर आर टी का हीट लॉस होगा रेजिस्टेंस में, जिसके वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा, प्योर मेटल होता तो रेजिस्टेंस बढ़ता, करंट चेंज होने लगता, पर अगर हम अलॉय लेते हैं तो उस केस में टेम्परेचर बढ़ने के कारण आपका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, क्योंकि उनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू जो इंक्रीज होनी है उसमें अल्फा बहुत छोटा होता है, प्योर मेटल्स में अल्फा ज्यादा होता है, जिसके वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। तो इसी लॉजिक को यूज करके जितने भी आपके स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस लेने होते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स के वायर्स बनाने होते हैं, मीटर ब्रिज हुआ, पोटेंशियोमीटर वायर हुआ, वो सब किससे बनाए जाते हैं, आपके अलॉयज से। तो अलॉयज आर यूज्ड टू मेक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस वायर्स ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स, पोटेंशियोमीटर वायर एंड मीटर ब्रिज। तो ये रीजन है कि अलॉय लिया जाता है ताकि टेम्परेचर चेंज होने की वजह से उस सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज ना हो। और इसमें मोस्ट कॉमनली यूज्ड अलॉयज कौन है, आपके कॉन्स्टेंटन हुआ, मैंगनीन हुआ, नाइक्रोम हुआ, यूरेका, आगे और पढ़ेंगे जब पोटेंशियोमीटर हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट ये था हमारा अलॉयज पे, तो यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट लास्ट पे आते हैं सुपर कंडक्टर्स, कैसे टेम्परेचर चेंज होने की वजह से रेजिस्टेंस चेंज होता है। तो इसके बारे में लिखा है कि एट लो टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस बिकम्स एग्जैक्टली जीरो, एकदम कम टेम्परेचर पे उनका रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल मरकरी का 4.2 केल्विन के नीचे और आपका लेड का 7.2 केल्विन के नीचे
ऐसे मटेरियल का रेजिस्टेंस इस टेम्परेचर के बिलो जीरो हो जाना। जीरो हो जाना मतलब अब कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो करते रहेंगे, उनको कोई हिंड्रेंस नहीं है, वो मटेरियल सुपर कंडक्टर होते हैं। और अगर सुपर कंडक्टर हुए तो आगे जाके एप्पल के लैपटॉप एप्पल के फोन आपको जैसे 10-10, 20-20 रुपए में मिलेंगे, क्योंकि वहां पे रीजन ये है कि उनके लिए कोई आपको बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली फ्लो करेंगे। तो जिससे इलेक्ट्रॉनिक एक वर्ल्ड में एक बड़ा बूम आएगा जो फ्यूचर में होने वाला है। तो यहाँ पे इन सब्सटेंसेस को हम नाम दे रहे हैं सुपर कंडक्टर्स। इनके मदद से हम आगे जाके बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक में एक मेजर डेवलपमेंट लेके आने वाले हैं, और उस फेनोमेनन को हम नाम देंगे सुपर कंडक्टिविटी। एंड द फेनोमेनन इज नोन एज सुपर कंडक्टिविटी। द टेम्परेचर एट विच रेजिस्टेंस बिकम जीरो इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। जैसे ये इसका क्रिटिकल टेम्परेचर होने चला गया, एंड डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सब्सटेंस, और उसके सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा। देख रहे हैं मरकरी का 4.2 है तो लेड का 7.2, तो मरकरी और लेड दोनों अलग अलग मेटल्स हैं, तो उनके मेटल्स के नेचर पे भी डिपेंड करेगा। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ने से पहले अब यहाँ तक का स्क्रीनशॉट, कैसे रेजिस्टेंस हमारा पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। हम ये नहीं कहेंगे कि इस वायर का रेजिस्टेंस कोई एक फिक्स्ड वैल्यू ही है, वो डिपेंड करेगा कि आपने इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी लगाई है वो किस तरह से लगाई है। तो हम ये कुछ सिचुएशंस दिखाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे। तो हम बोल रहे हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिंग बॉडी, सभी कंडक्टर है ये बॉडीज, ठीक है, इज नॉट यूनिक, एक कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होगा। ये लेट से हमने क्यूबॉइड लिया, बट डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट इज हाउ द पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। हम क्या जानते हैं रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, रो एल बाय ए, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो सबका रो तो सेम है, सब सेम मटेरियल के हैं, बस हमें लेंथ और एरिया देखना है। हमें यह चेक करना है कि कितना लेंथ के क्रॉस करंट फ्लो होके जा रहा है और उसका एरिया। तो इन सब के हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे, R1, R2 और मेरा R3 कितना होगा। तो हम देख रहे हैं कि सबका रो रेजिस्टिविटी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वैल्यू सेम है, अब लेंथ और एरिया बात करनी है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे जब करंट इस तरह से जा रहा है तो कितना लेंथ ट्रैवल करके जा रहा है, बी डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, किस एरिया को क्रॉस करके जा रहा है, ऊपर वाला टॉप एरिया, दैट इज ए इंटू सी, तो ये हो गया ए इंटू सी। सिमिलर वे में यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे कितने लेंथ को क्रॉस करके जाएगा करंट, लेंथ ए को डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा, ये वाला एरिया हो गया क्रॉस करके जा रहा है, दैट इज बी इंटू सी, तो ये हो गया आपका बी इंटू सी। सिमिलर वे में यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे बात हो रही है कितने लेंथ को क्रॉस करके जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ क्रॉस करके जाएगा, दैट इज सी डिवाइडेड बाय एरिया कितना हो जाएगा, इस एरिया को क्रॉस करेगा, दैट इज ए इंटू बी। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे आपने एक ही क्यूब के अलग अलग एजेस के अक्रॉस फेसेस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जब अप्लाई किया तो कैसे कैसे रेजिस्टेंस उसी बॉडी का चेंज होता दिखा। तो इस तरह से भी आपका रेजिस्टेंस जो है वो चेंज हो सकता है स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले लें स्टूडेंट। ये था हमारा आज का करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जिसमें हमने रेजिस्टेंस देखा, रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पर देखा डिपेंड करते हुए, ये सब हमने डिस्कस किया। होप आपको ये वीडियो पसंद आया, और अगर पसंद आया तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको कुछ फीडबैक देना हो वो कमेंट सेक्शन में दें, और जो नए हैं वो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाएँ, ताकि जैसे ही हमारा नया वीडियो अपलोड हो आपको उस इंस्टेंट पर मिले और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक